हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग दोस्तों। क्या आप डल, फ्रीजी, अनमैनेजेबल बालों को लेके परेशान हो और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए बहुत सारे शैम्पू ट्राई कर चुके हो बट फायदा नहीं मिला? और मुझे नहीं लगता फायदा मिलेगा भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है बालों का डल, एक्सट्रीम ड्राई, फ्रीजी, अनमैनेजेबल होने का रीजन क्या है। दोस्तों, इसका रीजन है प्रोटीन की कमी। तो हमें इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रोटीन शैम्पू का यूज करना होगा। बालों के एक्सटर्नल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसीलिए मैं आज दो प्रोटीन शैम्पू का कंपेयर करूंगी, जिसमें से पहला प्रोडक्ट है बेला वीटा ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोटीन शैम्पू एंड दूसरा है TYC एंटी एजिंग शैम्पू। तो देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। तो करना दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं दोनों शैम्पू ने क्या क्लेम किया है। बेला वीटा के मुताबिक उनका ये शैम्पू नंबर 1, बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंड हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। नंबर 2, स्कैल्प में पीएच बैलेंस मेंटेन करेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रिजी हेयर का भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वाओ, और हम जैसे फ्रिजी हेयर के मारो को तो सिर्फ यही सुनना था, तसल्ली मिल गया। इसके बाद TYC एंटी एजिंग शैम्पू ने क्लेम किया है, नंबर 1, ये शैम्पू मल्टी फंक्शनल है, एंटी एजिंग सॉल्यूशन है, ये हेल्प करता है हेयर को यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करने में। नंबर 2, इसमें नेचुरल प्रोटीन यूज किया गया है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 3, ये शैम्पू फ्रिज कंट्रोल करता है एंड बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तुम सच बोल रहे हो, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? कंट्रोल, सॉरी, मैं इमोशन में बह गई थी। एक्चुअली ये बातें सुनने के लिए तरस चुकी थी, सो इसीलिए। इसके बाद दोस्तों चले देखते हैं दोनों का प्राइस। बेला वीटा ऑर्गेनिक शैम्पू का प्राइस है 225 ml का ₹249, दैट्स ओके। एंड TYC शैम्पू का प्राइस है 300 ml का ₹349। दोस्तों, दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 100 ml बेला वीटा का प्राइस है ₹110 एंड 100 ml TYC एंटी एजिंग शैम्पू का प्राइस है ₹116। प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों ही लगभग अफोर्डेबल है, सो दोनों को मिलता है बिग थम्स अप। इसके बाद चलिए देखते हैं दोनों का इंग्रेडिएंट लिस्ट। वाई डर लग रहा है? अगर कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डरने का क्या, और अगर गड़बड़ किया है तो डरो। सो सबसे पहले देखते हैं बेला वीटा ऑर्गेनिक शैम्पू का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है एक्वा, अनियन एक्सट्रैक्ट, ब्रिंगराज, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, आमला, अश्वगंधा, रीठा, शिखाकाय, बहेड़ा, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, कॉफी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, एप्पल साइडर विनेगर, सिट्रिक एसिड, ब्लैक सीड ऑयल, एसेंशियल ब्लेंड ऑयल, इतना सारा नेचुरल इंग्रेडिएंट, वाओ। देन इसमें यूज हुआ है डीपेंथनोल यानी कि विटामिन B5, हाइड्रोलाइज्ड कैरोटीन, पॉलीक्यूटामिन 7, लोर ऑयल, ग्लूर ऑयल, सार्कोसिनेट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सोर्बेट। दोस्तों, इसमें यूज किया गया किसी भी केमिकल का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, सिर्फ पॉलीक्यूटामिन 7, इसका भी जनरली साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये 0.5 से 5% है, अगर इससे ज्यादा है तो इसका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है एंड इसमें अमाउंट मेंशन नहीं है, सो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। इसके बाद चलिए देखते हैं TYC एंटी एजिंग शैम्पू का इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है बाओबाब एक्सट्रैक्ट, मंडेरा, ब्रिंगराज, ग्लिसरीन, सिट्रिक एसिड, ऑलिव ऑयल, अकेसा गम, हर्बल एक्वा, लेमन ऑयल एंड ट्यूबरोस। देन इसमें केमिकल इंग्रेडिएंट यूज हुआ है लोर ऑयल, ग्लूकोसाइड, कोको ग्लूकोसाइड, कार्बोमेरा, डी सोडियम EDTA, PEG-150 डिस्टियर्टे, EUXL-150। दोस्तों, PEG-150 डिस्टियर्टे इस केमिकल का एक्सट्रीम साइड इफेक्ट है और बाकी सब केमिकल सेफ है पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए, बट इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का नाम मेंशन नहीं है एंड और मुझे शक है कि ये कुछ छुपा रहा है, बट क्या करे, जनता को तो सबूत चाहिए और मेरे पास तो है नहीं। दोस्तों, इसके बाद चलिए चलते हैं कंपेयर के रिजल्ट की ओर। तुम लोग क्यों डर रहे हो? डरना तो मुझे चाहिए और मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही हूँ। ओके दोस्तों, बेला वीटा में भी यूज किया गया एक केमिकल का साइड इफेक्ट हो सकता है एंड TYC एंटी एजिंग शैम्पू का एक केमिकल का एक्सट्रीम साइड इफेक्ट है। देन बेला वीटा शैम्पू में ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट है TYC के मुकाबले, बट ज्यादा कम नहीं है क्योंकि इसमें यूज हुआ है हर्बल एक्वा और हर्बल एक्वा बनता है इन सब से। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ अब क्या होगा मेरा। तो दोस्तों, आज के कंपेयर का विनर है बेला वीटा ऑर्गेनिक शैम्पू और इसका रीजन है क्योंकि TYC शैम्पू के PEG-150 डिस्टियर्टे केमिकल का मेजर साइड इफेक्ट है और ये साइड इफेक्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।